दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। 4 जून 2023 ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चुपचाप कर लीजिए यह गुप्त महा उपाय। न केवल मिल जाएगा आपके भाग्य का साथ, बल्कि सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति मालामाल। दोस्तों 4 जून 2023 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा खास और महत्व जिसका होता है वह है ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिया गया है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 6 मई 2023 से हुई थी और इसका समापन 4 जून 2023 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होने जा रहा है। ज्येष्ठ महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और काफ़ी महत्व दिया गया है, अच्छा पवित्र माना गया है। यहाँ तक कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक दिन पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ महीने में ब्रह्मांड की महाशक्तियाँ, जो महाशक्तिशाली शक्तियाँ होती है, वो पृथ्वी पर वास करने आती हैं। और ज्येष्ठ महीने की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है, इसके हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर आती हैं और उल्लू को वाहन लेकर पूरे धरती का भ्रमण करती हैं। इस दिन जो भी माता लक्ष्मी जी के पूजा पाठ और वेद पुराण में बताए गए उपाय करता है, उसका साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी देती हैं। तो दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शुक्र ग्रह का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। साल 2023 शुक्र ग्रह का जो गोचर है, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12 में से 6 राशि वालों को साक्षात माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आशीर्वाद मिलने जा रहा है, जिसके बाद न केवल इनके जीवन में इनका भाग्य इनका साथ देगा, बल्कि इनके जीवन में अब धन की वर्षा होगी। ये जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इन्हें सफलता प्राप्त होगी। यहाँ तक कि इनके आने वाली 7 पीढ़ियों तक पैसे की कमी नहीं होगी। आपको हम बताएंगे दोस्तों कि इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनको माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद मिलने जा रहा है, और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वह कौन सी ऐसे गुप्त उपाय जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, जिसको अगर आप एक दिन कर लें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, तो आपको माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद, वो वरदान मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और माता लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी राशि का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम वीडियो में या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको राशि के अनुसार उपाय बता सके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो धन प्राप्ति का महा उपाय सबसे पहला आज हम बता दें आपको, फिर हम राशियों के बारे में बताएंगे। देखिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को क्या करना है, इस महा उपाय को कर लीजिए। यह धन प्राप्ति का महा उपाय है, धन की कमी नहीं होगी। अगर मान के चलिए आपके जीवन में धन की कमी है और व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में किसी प्रकार के कोई भी कलह, क्लेश, कष्ट है, धन आता है रुकता नहीं है, माता लक्ष्मी जैसे आपसे रूठ गई हैं, तो क्या करें, एक लाल कपड़ा ले लें, और एक लाल कपड़ा यानी कि आपको लाल कपड़ा अब शाम के समय ये उपाय करना है, ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को करना है। और सबसे पहले तो आप पूजा स्थान पर बैठकर एक घी का दीपक जलाइए, शुद्ध घी का दीपक। फिर आप माता लक्ष्मी को लाल पुष्प आप यानी कि उन्हें अर्पित कर दें। फिर आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल रुमाल भी चलेगा, लाल कपड़ा होना चाहिए, और एक लाल मौली धागा वहीं पर रख लीजिए। फिर इस लाल कपड़े में एक यानी कम से कम 21 या फिर 51 दाने काली मिर्च हो, और 1 रुपये का सिक्का, और साथ ही साथ 2 इलायची और 2 लौंग और 1 साबुत सुपारी आप इस लाल कपड़े में रखकर इसे मौली धागा से आप बांध लें, और फिर आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें, यानी कि माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें वहीं पर, यानी कि पूरी रात्रि माता लक्ष्मी के पास रहने दें और इस दीपक को भी जलने दें। दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि सूर्य उदय से पहले ही आपको इस पोटली को उठाकर अपने धन के स्थान पर रख लेना है, जहाँ पर आपका धन है, जहाँ पर पैसे रखते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इतना धन बरसेगा कि जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस पोटली को आप माता लक्ष्मी के चरणों के पास ही रहने दीजिएगा, और फिर इसे अगले दिन आपको अपने यानी कि धन के स्थान पर रख देना है। बहुत लाभकारी और बहुत ही चमत्कारिक ये आपके लिए उपाय है। एक और उपाय कर लीजिए। सबसे पहले तो क्या करिए कि आप थोड़े से काली मिर्च ले लीजिए,
कुछ दाने ले लीजिए, यानी कि जैसे कि साबुत, यानी कि अगर आपको लौंग मिल जाए, साबुत फूल वाली लौंग मिल जाए, वही आपको दो कम से कम होनी चाहिए, और दो इलायची होनी चाहिए, और एक लाल कपड़ा ले लीजिए। और फिर आप क्या करें कि इसे इसमें एक लाल पुष्प भी डाल लीजिए, और फिर आप चाहे तो अगर आपके पास एक रुपये का सिक्का, पाँच रुपये का सिक्का है, वो भी आप इसमें डालकर फिर आप इसकी पोटली बना लें, और फिर आप माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र, आपको ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का जाप करके इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों के पास रहने देना है। और फिर आपको क्या करना है कि पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दे। दोस्तों यकीन मानिए, इतना धन आएगा, जीवन में कभी भी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन प्राप्ति का ये महा उपाय है, धन बरसेगा, चारों दिशाओं से धन बरसेगा, माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि जीवन में आपको माता लक्ष्मी की स्वतः ही दर्शन भी मिलने के आसार बन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनका भाग्य इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा, जो करोड़पति बनने वाली हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मेष राशि का। मेष राशि का कौन, इस बार 4 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। मेष राशि को बता दें कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, बल्कि व्यापार तेजी चलेगा, कारोबार का विस्तार करेंगे, इनकम बढ़ेगी, और साथ ही गुप्त रूप से धन आएगा। विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, स्टूडेंट हैं उन्हें बड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिलेगा, बड़े संस्था में दाखिला ले पाएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, गुप्त रूप से धन मिलेगा। मेष राशि को आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अगली जो भाग्यशाली राशि है दोस्तों, जो करोड़पति बनने वाली है, वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि को बता दें कि इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बन रही है। धन आने के गुप्त उपाय आप यानी करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, आकस्मिक रूप से, और साथ ही साथ दिया गया फंसा हुआ कहीं पर अटका हुआ पैसा था वो वापस मिलेगा माता लक्ष्मी की कृपा से। आपको बता दें कि इस दिन संतान की प्राप्ति और घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। माता लक्ष्मी कृपा से अचानक से आपको बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी, आपके जीवन में वो खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों बता दें कि माता लक्ष्मी कृपा से चारों दिशाओं से धन की बारिश होगी, इनकम बढ़ेगी, कन्या राशि को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली राशि रहेंगी आप इस दिन। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है तुला राशि। तुला राशि को बता दें कि अब माता लक्ष्मी कृपा विशेष बनी रहेगी इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और भी कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, तो इस कारण से आपके भाग में वृद्धि होगी, जबरदस्त बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, और अगर अभी तक कोई घाटा या फिर नुकसान झेल रहे थे तो माता लक्ष्मी कृपा से इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको लाभ जरूर मिलेगा, साथ ही इनकम बढ़ेगी। अगली जो चौथी जो राशि आती है वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इनकम भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा, अचानक से धन का लाभ भी प्राप्त होगा, गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होगी, कई बड़े अच्छे अवसर आपको हाथ लगेंगे, कुछ ऐसे व्यापारिक क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा जो काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रहे थे। विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, विदेश से धन आ सकता है, गुप्त रूप से धन आपको मिलने की संभावना बनी हुई है। तो मकर राशि को माता लक्ष्मी कृपा से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको भी करोड़पति बनने का सुनहरा मौका मिलेगा। अब जो पाँचवीं राशि है वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि को बता दें कि इतनी खुशियाँ और इतना धन आएगा आपके जीवन में इस दिन कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः जो आपके घर में नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ धन की बारिश होगी, माँ लक्ष्मी कृपा से घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होंगे, और अगर किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति या फिर जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था तो धीरे धीरे स्वतः ही निपटारा होने लगेगा। नई जमीन प्रॉपर्टी खरीदने का मन विचार बना सकते हैं, और कामयाबी भी प्राप्त होगी, साथ ही इनकम भी बढ़ेगी तेजी से, रुका व फंसा व धन प्राप्त होगा, प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे आपके मन में, और साथ ही जीवन साथी के माध्यम से लाभ होगा। बता दें कि अब आपके जीवन में अनेक प्रकार के मीन राशि को लाभ मिलेंगे। अब जो अगली राशि छठवीं है वो है मिथुन राशि। भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा आपके ऊपर, माता लक्ष्मी की आप यानी कि अचानक से आपको प्राप्ति होगी धन की, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपके जीवन में वो धन की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यतः आपका जीवन यानी कि सकारात्मक तरीके से पूरी तरह से बदल जाएगा, और आपके जीवन में वो खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ये महा उपाय और ये राशियां बनने जा रही है, यानी कि करोड़पति, तो ये महा उपाय जरूर कर लीजिएगा, विशेष लाभ होगा।
सच्चे भक्त माता लक्ष्मी जी के जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और हाँ, अपनी राशि का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम अपने रिप्लाई के माध्यम से आपको राशि के अनुसार उपाय जरूर बता सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।